अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फारूकी व्लॉग्स। आज एक छोटे से वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। एक साहब ने मुझसे काफी वक्त से सवाल किया हुआ है, शायद मैंने किसी वीडियो में जिक्र किया हो, लेकिन मुझे याद नहीं कि मैंने जिक्र किया था। हो सकता है ये बात जो है वो मेरे जहन से निकल गई हो। वो ये सवाल कई दफा उन्होंने पूछा मुझसे, और ये सवाल काफी लोगों से कंसर्न भी है, और मैं कहूंगा कि एक मेजॉरिटी जो है वो आवाम जो है वो चूंकि बाइक्स या मोटरसाइकिल्स पर सफर करती है, तो उनसे रिलेटेड ये सवाल है। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रगुजार। तो भाई बाइक पर जब आप अगर हो, तो मैंने शायद किसी एक वीडियो में जिक्र किया था कि कोशिश ये करें कि वेपन कैरी ना करें। कराची के हिसाब से मैं अगर जिक्र करूं या सिंध के हिसाब से जिक्र करूं, तो ये चीज सूटेबल भी है कि क्योंकि आमतौर पे यहां पे जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स होते हैं या इस तरह के लोग हैं वो बाइकों पर ही होते हैं, तो इस वजह से ना कैरी करना जो है वो मुनासिब है। आजकल तो वैसे भी मुहर्रम या इस तरह के मामला जो हैं इसके अंदर, तो वैसे भी बाइक हो या किसी भी सूरत में आप असलाह कैरी ना करें, क्योंकि 144 का बैन लगा हुआ है। लेकिन एक जनरल प्रोसेस बता देता हूं, मना नहीं है कि आप बाइक पे कैरी नहीं कर सकते। देखिए, आप किसी भी तरह आप कैरी कर सकते हैं अगर वो कंसील्ड मैनर है, यानी असलहे का कोई भी हिस्सा नजर ना आता हो, असलहा जाहिर ना होता हो, तब आप वेपन को कैरी कर सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। लेकिन अगर आप मोटरसाइकिल पर हैं या किसी गाड़ी में भी हैं और आपको पुलिस रोकती है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि हम उनको क्या मैगजीन निकाल के दें या वेपन को किस तरह उनके सामने पेश करें। मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि उनको जो है सबसे पहले आप अपना लाइसेंस दिखाएं, ठीक है? अगर आप बाइक पर हैं या अपनी गाड़ी पर हैं, आप उतरें, तलाशी अगर उन्हें लेनी है, तलाशी से पहले ही आप अपना लाइसेंस निकाल के उन्हें पेश करिए कि ये देखिए मेरा लाइसेंस। इसके बाद आप अपना असलहा जो है वो नाली की तरफ से पकड़ के, मतलब आप जो उसकी नाली है उसका मैगजीन वाली साइड या ट्रिगर वाली साइड को होल्ड किए बगैर आप नाली की तरफ से उन्हें देंगे, या उनसे कहें जहां पर तलाशी वो ले रहे हैं तो वो निकाल लें, वो वेपन खुद निकाल लें। आप वेपन को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, यानी कि आप उसकी स्लाइड ना खींचें, आप उसमें से मैगजीन ना निकालें, कुछ ना करें। वो सिंपली आपका असलहा लेकर, कानूनी तौर पर यह है कि वो असलहा लेखेंगे, असलहे के नंबर चेक करेंगे कि ये नंबर वही है जो लाइसेंस में लिखा हुआ है। कानूनी तौर पे अगर आपके लाइसेंस का नंबर और वेपन का नंबर मैच करता है, तो पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है। अगर आपकी लाइसेंस फीस अदा हुई हुई है, आपकी लाइसेंस जो है वो वैलिड है, तो उसको कोई इख्तियार नहीं है कि वो फर्दर आपसे कोई सवाल करे। अगर आप किसी ममनुआ जगह पर मौजूद हैं, तो वो जाहिर है उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि किसी स्कूल, किसी मस्जिद या किसी पब्लिक के इदारे में मौजूद हैं, या पब्लिक का जो वैसी जगह होती है, कोई मेला वगैरह लगा हुआ है उसमें आप मौजूद हैं, तो वो उसे थोड़ी देर के लिए उसे कॉन्फिस्केट जरूर कर सकते हैं, लेकिन लाइसेंस वेपन को वो छीन कर आपसे अलग नहीं कर सकते कि भैया आप लेके हटा दिया आपसे, या आपसे दूर कर दिया, या आपको उससे महरूम कर दिया। ये कानूनी तौर पर नहीं होता। बात जो भी करें मुनासिब करें, आप उनसे अकड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक बात और भी कही थी सवाल पूछने वाले ने, कि क्या हम सिर्फ और सिर्फ एएसआई लेवल को दिखाएं, बंदे को जो एएसआई लेवल का आदमी होता है उसको दिखाएं, या अगर कोई कांस्टेबल या इस तरह का शख्स भी कोई जो लो रैंक के होते हैं वो अगर रोकें तो क्या उनको भी दिखाना जरूरी है? भाई इसमें रैंक या ये सब चीजें नहीं चलती। पुलिस अगर है और वो रियल में पुलिस है, तो वो आप उनको दिखा दें, उनको वेपन दिखाएं, लाइसेंस दिखाएं, वो अपने हायर अथॉरिटी को दिखा सकते हैं। और अगर वहां पर एसएचओ मौजूद है या एएसआई मौजूद है या उससे हायर रैंक वाला मौजूद है, कानूनी तौर पे वो उसे दिखाएगा और आपका असलहा और आपका वेपन वापस करके आपको जाने देगा। अगर आप, फिर से वही बात करूंगा कि गैर कोई ऐसी ममनुआ जगह पर मौजूद नहीं है, आपका लाइसेंस वैलिड है और आप जो है कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे इस तरह का के जो माहौल से रिलेटेड हो, तो आप आराम से अपना वेपन ले जा सकते हैं। बात हमेशा तमीज और मुनासिब तरीके से करें, अकड़ने और इस तरह की करने की कोई जरूरत नहीं है किसी को।
ये चीज जो है वो हर एक के हक में बेहतर होती है। पुलिस से भी ये गुजारिश है कि वो जाहिर है पाकिस्तानी निजाम पे ना चलें, जैसे दुनिया में एक कानून है कि वैलिड आर्म्स लाइसेंस रखने वाले को आर्म्स रखने की इजाजत है, उसके पास अगर दस्तावेज मौजूद है तो वो कानूनी तौर पे अपना असलहा अपने साथ रख सकता है, तो जब वो परेशान नहीं करेंगे, और वैसे नहीं परेशान करना चाहिए। आम तौर पे ये हमने अपने सूबे में, सिंध के सूबे में देखा है कि वहां ज्यादा इस मामले में जो है वो लोगों को जो है वो लोगों को खौफ रहता है कि पुलिस अगर रोक ले तो फिर वो क्या करेगी और हम क्या करेंगे। तो भाई डरने की जरूरत नहीं होती, कानूनी तौर पे अगर आप जायज चीज रख रहे हैं तो आप खौफजदा ना हो, कानून से डरे नहीं, आप कॉन्फिडेंटली उसको डील करें। बात यही करूंगा कि असलहे को मैनिपुलेट ना करें, असलहे को स्लाइड ना खींचे उसकी, असलहे को मैगजीन ना निकालें, या उस पर कोई भी ऐसी चीज करने की कोशिश ना करें कि जिससे ये जाहिर हो कि ये असलहा चलाने वाला है ये शख्स, क्योंकि ये अगर होगा तो जाहिर है वो भी मुसल्ला होंगे, पुलिस भी मुसल्ला होगी, और वो कोई एंटिसिपेशन में कोई कार्रवाई कर सकती है, यानी कि वो एकदम से जिसे कहते हैं ना उकसाने वाला आपने काम कर दिया, ऐसी कोई हरकत कर दी कि जिससे वो उकसावे में आ जाए और वो जो है एकदम से कोई कार्रवाई कर दें जिससे आपको या किसी को नुकसान हो जाए। तो ऐसी कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, बड़े स्मूथली और बड़े तरीके से आप अपना असलहा पेश कीजिए, अपना लाइसेंस पेश कीजिए, जो भी मामलात हैं उनको बताइए, अगर वो पूछते हैं तो नॉर्मली वो जाने देते हैं, कोई हर्ज नहीं होता इसके अंदर। असलहा ले चेक करके नंबर मैच करके आपका है, फीस पूरी है, जाने देंगे। लेकिन अगर कोई परेशान ही करना चाहे तो फिर उसके लिए कानून भी मौजूद है और फिर आप कानूनी तौर पर उसको जवाब भी दे सकते हैं। आई होप कि मैंने ये इस बात का जवाब आपको दे दिया होगा। अगर कोई इसमें फर्दर भी सवाल आपके पास हो तो आप मुझे जरूर कीजिए। जवाब देने में अक्सर मुझसे देर हो जाती है, मौका नहीं होता वीडियो बनाने का, या बहुत से सवाल स्किप हो जाते हैं जहन से, तो रिमाइंड कर लिया कीजिए, नाराज नहीं हुआ कीजिए। आप सब सब्सक्राइबर्स मेरे लिए बहुत अहम है और हर वीडियो देखने वाला भी, जो वीडियो देख रहा है वो भी मेरे लिए अहम है। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माजरत, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे किसी वीडियो में मुलाकात होगी। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।